नमस्कार, कैसे आप सभी? आप सभी ने कक्षा 11 में अध्याय 9 भाग 1 पढ़ा। भाग 1 में आपने जाना कि कैसे हम किसी जीव में उसके ऊतक में पाए जाने वाले रासायनिक अणुओं, यौगिकों आदि को पता लगा सकते हैं। आपने जाना कि अम्ल घुलनशील भाग में हजारों कार्बनिक यौगिक पाए जाते हैं, और आपने ये भी जाना कि अम्ल आवलीय भाग जो होता है उसमें चार प्रकार के यौगिक पाए जाते हैं, प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल, पॉलीसेक्राइड और लिपिड। ये चार प्रकार के पाए जाते हैं। आपने पढ़ा कि लिपिड कम अणु भार वाले तो होते, लेकिन फिर भी इन्हें वृहत जैव अणु के अंतर्गत ही रखा जाता है। आपने जाना कि अम्ल अविलेय भाग और अम्ल विलेय भाग। अम्ल विलेय भाग में हजारों कार्बनिक यौगिक पाए जाते हैं, जिनमें आपने जाना अमीनो अम्ल, न्यूक्लियोटाइड, सरल शर्करा आदि पाए जाते हैं। आपने ये भी जाना कि वो सभी तत्व, कार्बनिक अकार्बनिक तत्व जो जीव के ऊतक में पाए जाते हैं, वही तत्व भूपर्पटी में भी देखने को मिलता है। बस क्या है, मात्रा अलग अलग है। भूपर्पटी में उनकी परसेंटेज थोड़ा अलग होगा, जीव ऊतक में उनका परसेंटेज अलग होगा। लेकिन भूपर्पटी में पाए जाने वाले सभी तत्व, लगभग लगभग वे सभी तत्व जीव ऊतक में भी पाए जाते हैं। एनसीईआरटी में आपको एक फिगर दिया गया है, जिसमें आपको ये चार्ट के माध्यम से दिखाया गया है कि भूपर्पटी में जो तत्व पाए जाते हैं उनका परसेंटेज क्या है, और मनुष्य में वही तत्व पाए जाते हैं उनका परसेंटेज क्या है। तो आप देखेंगे हाइड्रोजन इतना परसेंट पाया जाता है, मनुष्य में इतना परसेंट। जैसे हाइड्रोजन में, हाइड्रोजन भूपर्पटी में 0.14% पाया जाता है, मानव के शरीर में 0.05% पाया जाता है। इसी तरीके से कार्बन का परसेंटेज दिया गया है, ऑक्सीजन का परसेंटेज दिया गया है, नाइट्रोजन का, सल्फर का, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सिलिकॉन का दिया गया है। तो यहां पर आप अगर पूरा याद कर पाते तो ठीक है, और नहीं याद कर पाते तो थोड़ा सा आप समझ लो कि जो ऑड लगे, ऑड यहां पर क्या लग रहा है, सिलिकॉन को अगर आप देखो तो सिलिकॉन भूपर्पटी में तो पाया जा रहा है लेकिन मनुष्य में नहीं पाया जाता। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि वो तत्व बताइए जो भूपर्पटी में तो पाया जाता है लेकिन जीव ऊतक या मनुष्य के शरीर में नहीं पाया जाता। तो क्या बताओगे, सिलिकॉन भूपर्पटी में 27.7% पाया जाता है लेकिन मनुष्य के शरीर में बिल्कुल भी नहीं पाया जाता। तो ये थोड़ा एक्सेप्शन है, पूछा जा सकता है। और बात करें कि सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाने वाला तत्व, तो भूपर्पटी में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन पाया जाता है, मनुष्य के शरीर में भी सबसे ज्यादा ऑक्सीजन ही पाई जाती है। अकार्बनिक तत्व, ये मैंने पहले भी बताया था, अकार्बनिक तत्व में ऑक्सीजन सबसे ज्यादा पाई जाती है। अकार्बनिक यौगिक में सबसे ज्यादा कौन पाया जाता है, जल पाया जाता है, और कार्बनिक यौगिक में सबसे ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है, मैंने बताया था पिछली पार्ट में। तो ये था। अब यहां पर एक क्वेश्चन कि ये सारी जो वैल्यूज ली गई हैं कि भूपर्पटी में कितना परसेंटेज कौन पाया जाता है, मनुष्य के शरीर में कितना परसेंटेज कौन अणु पाया जाता है, ये कहां से लिया गया है, तो ये लिया गया है अंडरस्टैंडिंग केमिस्ट्री नामक बुक से, जिसे लिखा था सीएन राव ने। तो ये क्वेश्चन यहां पर बन सकता है, अंडरस्टैंडिंग केमिस्ट्री किसने लिखी थी, तो यहां पर ये क्वेश्चन बन सकता है सीएन राव ने। ठीक है, अब आइए, अकार्बनिक कौन कौन से अणु पाए जाते हैं, कौन कौन से अकार्बनिक यौगिक पाए जाते हैं जीव ऊतक में, तो देखेंगे तो यहां पर सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जल। ठीक है, इसके साथ साथ यौगिक में सोडियम क्लोराइड, NaCl, कैल्शियम कार्बोनेट, फास्फेट, सल्फेट, ये सभी पाए जाते हैं। क्लियर है बातें? ये तो था भाग एक का थोड़ा सा टॉपिक जो वहां पर छूट गया था फिगर को लेकर। NCERT में ये मेंशन है, इसलिए आपको इसको पढ़ना है। अब आपने पढ़ा कि जीव ऊतक के, जब हम जीव ऊतक को ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड के साथ पीस कर छानते हैं, निचोड़ते हैं कपड़े में, तो उसमें दो भाग मिलते हैं, एक अम्ल घुलनशील, एक अम्ल आविलेय भाग। अम्ल घुलनशील भाग में हजारों कार्बनिक यौगिक मिलते हैं, जिसमें अमीनो अम्ल, सरल शर्करा, न्यूक्लियोटाइड, ये सभी पाए जाते हैं। आपने पढ़ा कि अम्ल आविलेय भाग में चार तत्व पाए जाते हैं, कौन कौन से, प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल, पॉलीसेक्राइड और लिपिड। आपने पढ़ा ये सब पाए जाते हैं, तो अब आपको इन्हीं सबको पढ़ना है कि अमीनो अम्ल क्या होते हैं, न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं, लिपिड क्या होती है, प्रोटीन क्या होती है, पॉलीसेक्राइड क्या होते हैं, इन सभी का आपको अब डिटेल पढ़ना है। तो सबसे पहले हम बात करते थे प्रोटीन के बारे में, तो यहां पर अभी प्रोटीन नहीं पढ़ाएंगे। प्रोटीन किससे मिलकर बना हुआ होता है, मैं भाग एक में भी बताया था कि प्रोटीन किससे मिलकर बना होता है, अमीनो अम्लों से मिलकर बना होता है। अगर आपसे कोई पूछे कि प्रोटीन क्या है, तो क्या बताओगे, पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड, अमीनो अम्ल का बहुलक है। बहुलक का मतलब जब एक ही प्रकार की चीजों से कई सारे अणु मिलकर बने हो, जैसे एक अमीनो अम्ल, दो अमीनो अम्ल, तीन, चार, पांच, कई सारे अमीनो अम्ल मिल जाते हैं, तो उससे जो संरचना बनती है उसे हम प्रोटीन कहते हैं। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे अमीनो अम्ल क्या होते हैं, अमीनो अम्ल कितने प्रकार के होते हैं, क्या उनकी संरचना होती है, क्या खास बात होती है, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, जो कि है अमीनो अम्ल।
सबसे पहले तो यह बात आती है कि अमीनो अम्ल अकार्बनिक यौगिक है या कार्बनिक यौगिक। तो याद रख लो, अमीनो अम्ल एक कार्बनिक यौगिक है। अगर आप इसकी संरचना को देखो, इसकी संरचना को देखा जाए तो इसमें सिर्फ एक कार्बन होती है जिसे अल्फा कार्बन कहा जाता है। क्या कहते हैं? अल्फा कार्बन। एक ही कार्बन होता है, अमीनो एसिड में एक कार्बन होता है। इसी एक कार्बन पर अमीनो समूह भी जुड़ा होता है NH2। इसी एक कार्बन पर अम्लीय समूह भी जुड़ा होता है यानी कार्बोक्सिलिक एसिड समूह जुड़ा होता है। तो चूंकि एक ही कार्बन पर अल्फा कार्बन पर अमीनो समूह और अम्लीय समूह प्रतिस्थापित होते हैं, इसलिए हम अमीनो अम्ल को अल्फा अमीनो अम्ल भी कह सकते हैं। अमीनो अम्ल को अल्फा अमीनो अम्ल भी कहा जा सकता है। अब बात यह आती है कि आप अगर इसको देखो तो कार्बन की चार वैलेंसी होती है, एक इससे पूरी हो गई, एक इससे पूरी हो गई, दूसरी इससे पूरी होती है और तीसरा प्रतिस्थापन समूह से पूरा होता है जिसे परिवर्तनशील समूह कहते हैं। तो कार्बन पर देखो CH है यानी एक कार्बन वाला कार्बनिक यौगिक। तो आप बताओ कार्बनिक, अगर आपने कार्बनिक रसायन पढ़ा है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी है, तो आपने जानते होंगे एक कार्बन वाले कार्बनिक यौगिक को क्या कहते हैं? मीथेन आता है ना, एक कार्बन वाला CH4। तो ये CH है और इसके हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करके अमीनो आया, कार्बोक्सिलिक एसिड आया, परिवर्तनशील समूह आया, यानी मीथेन में ही यहां पर परिवर्तन हुआ है और इससे अमीनो एसिड बना है। तो हम अमीनो अम्ल को क्या कह सकते हैं कि अमीनो अम्ल एक प्रतिस्थापित मीथेन है। CH4 मीथेन का फार्मूला होता है। CH4 में हाइड्रोजन की जगह पर अमीनो आया, एक हाइड्रोजन की जगह पर, दूसरे हाइड्रोजन की जगह पर कार्बोक्सिलिक एसिड समूह आया, तीसरे हाइड्रोजन की जगह पर परिवर्तनशील समूह आया, तो इससे यह अमीनो एसिड बना। किससे बना है? मीथेन से। हम क्या कह सकते हैं कि अमीनो अम्ल क्या है? प्रतिस्थापित मीथेन है, सब्स्टिट्यूटेड मीथेन है। तो हम यहां पर क्या लिख सकते हैं कि अमीनो अम्ल क्या होते हैं? प्रतिस्थापित मीथेन है, सब्स्टिट्यूटेड। अभी कुछ लिखना नहीं है, सिर्फ याद करना है, सब्स्टिट्यूटेड मीथेन। इस चैप्टर में सबसे ज्यादा आपको याद करना है, 100% चीजें याद ही करनी है, बस थोड़ा बहुत आपको समझना है। तो ये सब बातें याद करते चलो। अमीनो अम्ल क्या है? एक कार्बनिक यौगिक है जिसमें एक ही कार्बन पर, जिसे हम अल्फा कार्बन कहते हैं, उसी पर अमीनो समूह, अम्लीय समूह, ये सब प्रतिस्थापित होते हैं, इसलिए इसे हम अल्फा कार्बन अमीनो अम्ल भी कह सकते हैं। और चूंकि एक ही कार्बन वाला कार्बनिक यौगिक है यानी ये मीथेन ही होगा, और मीथेन में ही परिवर्तन हुआ जिससे अमीनो अम्ल बना है, तो हम क्या कह सकते हैं कि अमीनो अम्ल क्या है? एक प्रतिस्थापित मीथेन है, सब्स्टिट्यूटेड मीथेन। अब चूंकि कार्बन के पास चार वैलेंसी होती है ना, तो चार वैलेंसी को पूर्ण करने के लिए चार समूह बैठेंगे। तो कौन कौन से समूह बैठेंगे? तो आप देख लो यहां पर तीन तो फिक्स हैं, एक अमीनो ग्रुप बैठेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड समूह बैठेगा और एक हाइड्रोजन समूह बैठेगा। और यहां पर एक होता है परिवर्तनशील समूह जिसे आर समूह से व्यक्त करते हैं। अब ये इसे परिवर्तनशील समूह क्यों कहते हैं? क्योंकि यहां पर आर की जगह पर हाइड्रोजन समूह भी हो सकता है, मेथिल समूह भी हो सकता है, और हाइड्रोक्सी मिथिल भी हो सकता है, या कोई और भी समूह जुड़ सकता है। अलग अलग परिवर्तनशील समूह में जुड़ने की वजह से अमीनो अम्ल कई प्रकार के होते हैं, लेकिन फिर भी प्रोटीन में उपलब्धता के आधार पर अमीनो अम्ल केवल 20 प्रकार के होते हैं। इस बात को एकदम गांठ बांध लो कि अमीनो अम्ल केवल 20 प्रकार के होते हैं, और यही 20 प्रकार के अमीनो अम्लों के बार बार क्रम में जुड़ने से अलग अलग प्रकार के प्रोटीन बनते हैं। क्लियर हुआ बात? कई बुक में आपको अमीनो अम्लों का प्रकार 22 प्रकार दिखाई देगा, तो वो सही नहीं है। अमीनो अम्ल सिर्फ 20 प्रकार के होते हैं, NCERT में मेंशन है ये बात। तो अमीनो अम्ल 20 प्रकार के होते हैं। क्लियर बात है? अब मैंने क्या बताया कि ये क्या है? परिवर्तनशील समूह, यानी यहां पर अलग अलग समूह जुड़ सकते हैं। जैसे मान लो हाइड्रोजन समूह आ सकता है, हो सकता है मेथिल समूह आ जाए, हो सकता है हाइड्रोक्सी मिथिल आ जाए। तो अलग अलग समूह जुड़कर अलग अलग प्रकार के अमीनो अम्ल का निर्माण करते हैं। अगर हम बात करें, मान लो कि किसी अमीनो अम्ल में परिवर्तनशील समूह R की जगह पर क्या आ गया? हाइड्रोजन आ गया। तो जब हाइड्रोजन समूह जुड़ा हो तब इसका नाम क्या होता है? तब इसका नाम होता है ग्लाइसिन।
अगर यहीं पर परिवर्तनशील समूह में मैथिल समूह जुड़ा हो तब इसका नाम क्या होगा? अगर यहां पर मैथिल समूह जुड़ा होता है तब इसे कहते हैं एलेनिन। क्लियर बात है? अगर यहीं पर तीन तो फिक्स होंगे, अमीनो, कार्बोक्सिलिक, हाइड्रोजन, ये तीन तो फिक्स होंगे, जो परिवर्तनशील समूह है वो आर है। अब यहां पर मान लो CH2OH है तो कौन सा हम ये ग्रुप हो गया, ये हो गया हाइड्रोक्सी मिथिल, हाइड्रोक्सी मेथिल। हाइड्रोक्सी मेथिल जुड़ा है, अब इसका नाम क्या होगा? सीरीन। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि परिवर्तनशील समूह के आधार पर अमीनो अम्ल अनेक प्रकार के होते हैं, लेकिन प्रोटीन में उपलब्धता के आधार पर अमीनो अम्ल 20 प्रकार के होते हैं। अब 20 प्रकार के अमीनो अम्ल के नाम आप नहीं याद रख पाओगे, वैलिन, ग्लूटामिक एसिड, हिस्टिडीन, लाइसिन, उसके बाद ल्यूसिन, बहुत सारे हैं, ट्रिप्टोफैन, फैनिल एलेनिन, तो बहुत सारे 20 प्रकार हैं। 20 प्रकार के आप नाम तो भले ही याद कर पाओगे लेकिन उनके फार्मूले आप नहीं याद कर पाओगे। तो मेरा ये राय है कि जितने फार्मूले दिए गए हैं कम से कम वो तो आपको याद होना चाहिए, क्योंकि एनसीईआरटी में मेंशन है तो पूछ सकते हैं। अब आपको 4-5 फिगर देके पूछ लेंगे कि एलेनिन का स्ट्रक्चर बताइए, तो एलेनिन का स्ट्रक्चर तभी बता पाओगे जब आप इसे पढ़े होगे। तीन ही स्ट्रक्चर आप याद कर लेना, देख लेना, अगर स्ट्रक्चर से क्वेश्चन आएगा तो आप कर ले जाओगे, इसी तीन में से कोई पूछेंगे तो तीन स्ट्रक्चर याद कर लो। ग्लाइसिन कब होता है? जब यहां पर हाइड्रोजन हो, मेथिल हो तो एलेनिन, और CH2OH एलेनिन हाइड्रोक्सी मेथिल हो तो उसे क्या कहते हैं? सेरीन कहते हैं। तो ये हो गया अमीनो अम्ल के प्रकार। अब बात आती है अमीनो अम्ल के भौतिक और रासायनिक गुण किस पर निर्भर करता है। अमीनो अम्ल की भौतिक और रासायनिक गुण तीन समूहों पर निर्भर करता है। कौन कौन समूहों पर निर्भर करता है? तो अमीनो अम्लों की भौतिक और रासायनिक गुण अमीनो समूह, कार्बोक्सिल समूह और परिवर्तनशील समूह पर निर्भर करता है। लेकिन अगर हम बात करें कौन से अमीनो अम्ल उदासीन है, कौन से अम्लीय है, कौन से क्षारीय है, तो ये किस पर निर्भर करता है? तो ये निर्भर करता है अमीनो समूह और कार्बोक्सिलिक समूह की संख्या पर निर्भर करता है, कि कितने अमीनो समूह की संख्या है, कितने कार्बोक्सिलिक समूह की संख्या है। उनकी संख्या के आधार पर अमीनो अम्ल तीन प्रकार के हो सकते हैं, उदासीन, क्षारीय, अम्लीय। तो अब यहां पर क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं कि कौन से क्षारीय हैं, कौन से अम्लीय हैं, कौन से उदासीन है, और पूछा भी गया है, तो उसको भी आप याद रख लो। तो सबसे पहले आप याद रखो कि इन्हें उदासीन, क्षारीय, अम्लीय किस बेसिस पर रखते हैं। तो क्या याद करोगे? अमीनो समूह व कार्बोक्सिल समूह की संख्या के आधार पर, संख्या के आधार पर अमीनो अम्ल, अमीनो अम्ल हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं? अम्लीय या क्षारीय या उदासीन हो सकते हैं। अम्लीय हो सकता है, उसका एग्जाम्पल ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामिक अम्ल एक अमीनो अम्ल है, ग्लूटामिक अम्ल नाम है उसका अमीनो अम्ल का, वो अमीनो अम्ल कैसा है? अम्लीय है। क्षारीय अमीनो अम्ल का नाम बताइए, तो क्षारीय अमीनो अम्ल है लाइसिन, लाइसिन। और उदासीन अमीनो अम्ल का उदाहरण है वैलिन। तो ये तीन तो दिए गए, तो तीन तो ये याद करना ही है कि कौन क्षारीय, कौन उदासीन है, कौन अम्लीय है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, क्षारीय अमीनो अम्ल का नाम बताइए, लाइसिन क्षारीय अमीनो अम्ल है। ग्लूटामिक अम्ल देखो ये अम्लीय प्रवृत्ति का है, इसलिए इसके अंदर अम्ल भी शब्द आ रहा है, तो ग्लूटामिक अम्ल वो अम्ल ही होगा, अम्लीय होगा। क्षारीय का याद रख लो, लाइसिन पूछा गया है, उदासीन वैलिन। इसके अलावा नहीं पूछे जाएंगे, जो एनसीईआरटी में मेंशन है बस वही पूछा जाएंगे। तो आप 20 प्रकार में छांटने मत लग जाना कि कौन क्षारीय, कौन अम्लीय है, कौन उदासीन है, इतना आपको वर्क नहीं करना है। अब इसके अलावा कुछ अमीनो अम्ल एरोमेटिक टाइप के भी होते हैं, तो एरोमेटिक अमीनो अम्ल के उदाहरण कौन कौन से हैं? एरोमेटिक अमीनो अम्लों के उदाहरण अगर हम देखें
तो एरोमेटिक टाइप ऑफ एमिनो एसिड्स होते हैं टायरोसिन, फेनिलएलनिन और ट्रिप्टोफैन। ये एरोमेटिक एमिनो एसिड के उदाहरण है। आया समझ में? तो ये था अमीनो अम्ल के बारे में, इतना आपको कम से कम जुबान पर रटा होना चाहिए। चलो मैं आपको रटा भी देता हूं, याद करते चलो कि अमीनो अम्ल क्या है। अमीनो अम्ल कार्बनिक यौगिक है जिसके एक ही कार्बन पर अमीनो समूह और अम्लीय समूह जुड़ा होता है। इस कार्बन को अल्फा कार्बन कहते हैं, इसलिए हम अमीनो अम्ल को अल्फा अमीनो अम्ल भी कह सकते हैं। चूंकि एक सिंगल कार्बन वाला कार्बनिक यौगिक मीथेन होता है, अब मीथेन के हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करके ये समूह बैठे हैं, इसलिए हम इसे अमीनो अम्ल को प्रतिस्थापित मीथेन, सब्स्टिट्यूटेड मीथेन भी कह सकते हैं। आपने जाना कि कार्बन की चार संयोजकता, सॉरी चार वैलेंसी होती है, संयोजकता कह सकते हैं, चार वैलेंसी संयोजकता होती है, इसलिए इनके चार संयोजकता पर चार समूह बैठेंगे। एक बैठ गया अमीनो समूह, दूसरा कार्बोक्सिलिक समूह, तीसरा हाइड्रोजन समूह और चौथे पर परिवर्तनशील समूह होता है जो परिवर्तित हो सकता है। हाइड्रोजन हो सकता है, मेथिल भी हो सकता है या फिर हाइड्रोक्सी मेथिल हो सकता है। अगर हाइड्रोजन होता है तो उसे हम ग्लाइसिन बोलते हैं, मेथिल है तो उसे हम एलेनिन बोलेंगे, और अगर वहां पर हाइड्रोक्सी मेथिल है तो हम उसे बोलेंगे सीरीन। दूसरा आपने पढ़ा कि इन अमीनो समूह और कार्बोक्सिलिक समूह की संख्या के आधार पर अमीनो एसिड उदासीन, क्षारीय या अम्लीय हो सकती हैं। अम्लीय के उदाहरण ग्लूटामिक एसिड, क्षारीय के उदाहरण लाइसिन, उदासीन के उदाहरण है वैलिन। इसके साथ ही बहुत से अमीनो अम्ल एरोमेटिक टाइप के भी होते हैं, तो एरोमेटिक अमीनो अम्ल के उदाहरण जो एनसीईआरटी में मेंशन है वो याद करना, टायरोसिन, फेनिलएलनिन और ट्रिप्टोफैन। अब यहां पर एक बात आती है, इसकी संरचना को अगर आप देखो तो अमीनो समूह और कार्बोक्सिलिक समूह ये दोनों आयनीकृत भी हो सकते हैं, आयनीकरण दर्शाते हैं। इस कारण से भिन्न भिन्न पीएच विलयनों में इनकी संरचना परिवर्तित हो जाती है। बात समझ आई? ये चूंकि आयनीकृत प्रदर्शित करते हैं, आयनीकरण हो सकता है इनमें अमीनो और कार्बोक्सिलिक समूह दोनों पर, इस वजह से भिन्न भिन्न पीएच पर इनकी संरचना परिवर्तित होती है। आइए यहां पर देखिए, ये है अमीनो एसिड क्या फार्मूला, जिसमें आप देखो तो एक कार्बन पर हाइड्रोजन समूह है, परिवर्तनशील समूह है, अमीनो समूह है और कार्बोक्सिलिक समूह है। अब अमीनो और कार्बोक्सिलिक समूह आयनीकृत भी हो सकते हैं। इस फॉर्म को कहा जाता है ज्यूटर आयनिक प्रारूप। ज्यूटर आयनिक प्रारूप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इस बार बहुत संभावना है, इस वजह से इसको याद कर लो कि ज्यूटर आयनिक प्रारूप कौन सा होता है। कार्बन पर अमीनो ग्रुप आयनीकृत रूप में यानी पॉजिटिव फॉर्म में, कार्बोक्सिलिक में निगेटिव चार्ज, ठीक है, बाकी परिवर्तनशील समूह, ये ज्यूटर फॉर्म में पूछा जा सकता है। बात आपने यहां पर पढ़ ही लिया कि कार्बन पर अगर हाइड्रोजन समूह होगा तो ग्लाइसिन कहेंगे, कार्बन पर अगर मिथिल समूह है तो एलेनिन कहेंगे, कार्बन पर अगर हाइड्रोक्सी मिथिल समूह है तो इसे हम सीरीन कहेंगे। बस ये हो गया अमीनो अम्लों के बारे में। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया अमीनो अम्ल क्या है। अच्छा अब हम बात करें अगर वसा की, लिपिड की, लिपिड हिंदी में लिखते हैं वसा, वसा लिपिड, लिपिड की कुछ विशेषताएं, जैसे लिपिड जल में अघुलनशील होते हैं, घुलते नहीं है। तो सबसे पहला तो यही जान लो कि ये जल में अघुलनशील है। अभी सिर्फ याद करना है, लिखना नहीं है, अभी लिखवाएंगे सब इकट्ठा। जल में अघुलनशील होता है। वसा किससे मिलकर बना होता है? तो वसा हो सकता है वसा अम्ल से मिलकर बना हो सकता है वसा ग्लिसराल से मिलकर बना है, या हो सकता है कि वसा वसा अम्ल और ग्लिसराल दोनों से मिलकर बना हो। तो वसा हो सकता है कि वसा अम्ल से बना हो, फैटी एसिड से, या हो सकता है वसा ग्लिसराल से बना हो, और या हो सकता है कि वसा ऐसा ऐसे भी वसा देखे गए हैं जिसमें वसा अम्ल और ग्लिसराल दोनों होते हैं, वसा अम्ल और ग्लिसराल दोनों होते हैं। तो वसा हो सकता है, लिपिड हो सकता है केवल वसा अम्ल से मिलकर बना हो, वसा यानी लिपिड हो सकता है केवल ग्लिसराल से बने हो,
या वसा लिपिड हो सकता है, वसा अम्ल और ग्लिसरॉल दोनों से मिलकर बने हों। अगर हम बात करें वसा अम्ल की, तो वसा साधारणतया किससे मिलकर बना होता है? वसा अम्लों से मिलकर बना होता है। अब वसा अम्ल में क्या होता है? तो वसा अम्ल में एक कार्बोक्सिल समूह होता है और एक आर समूह होता है। याद करिए, वसा अम्ल में एक, अब देखो वसा और वसा अम्ल में अंतर है। ये वसा है लिपिड और ये वसा अम्ल है फैटी एसिड। तो वसा अम्ल में क्या होता है? एक कार्बोक्सिलिक समूह होता है। याद करिए, एक कार्बोक्सिल समूह होता है और प्लस एक क्या होता है? आर समूह होता है। अब यहां पर भी आर समूह क्या हो सकते हैं? हो सकता है कि आर समूह मेथिल समूह हो सकता है आर समूह C2H5 एथिल समूह हो, या हो सकता है आर समूह CH2OH, यानी कि ये हो सकता है हाइड्रोक्सीमिथिल भी हो, सॉरी हाँ हो सकता है। तो इतनी बात समझ में आई? वसा अम्ल किससे बने होते? कार्बोक्सिल समूह, देखो C OH वसा अम्ल काम यहां पर बनाई थी स्ट्रक्चर, वसा अम्ल RCOOH ये इसका फॉर्मूला है RCOOH। अब R में मेथिल भी हो सकता है, एथिल भी हो सकता है, या कोई अन्य CH2 समूह भी हो सकता है। कार्बन संख्या 1 से लेकर 19 तक हो सकते हैं। कार्बन संख्या 1 से 19 तक हो सकते हैं। यहां पर ये R क्या हो सकता है? CH2 समूह जिसमें 1 से लेकर 19 तक कार्बन हो सकते हैं, 19 तक कार्बन हो सकता है। इस बात को ध्यान रखना, वसा अम्ल में जो आर समूह है उसमें कार्बन की संख्या 1 से 19 तक हो सकती है। इसका एक उदाहरण दिया गया है पॉमिटिक एसिड का। पॉमिटिक अम्ल एक क्या है? वसा अम्ल है जिसमें कुल 16 कार्बन पाए जाते हैं। कार्बोक्सिल समूह के कार्बन को जोड़कर टोटल कार्बन 16 होते हैं। कैसे? देख लो, ये पॉमिटिक एसिड है, ये पूरा क्या है? R, और ये है C OOH। तो ये तो हो गया वसा अम्ल का फॉर्मूला RCOOH। अब यहां पर R क्या है? CH3CH2 का होल 14 है, 14। तो यहां पर कार्बन की संख्या गिनो, एक कार्बन यहां पर है, अब देखो 14 यहां लिखा है ना, तो 14 कार्बन यहां हुआ, 14 × 1 = 15 और 1 = 16। कार्बोक्सिल समूह के कार्बन को लेकर 16 कार्बन होते हैं पॉमिटिक एसिड में। इसी तरीके से एक एग्जांपल है अरेकिडोनिक एसिड, अरेकिडोनिक अम्ल। अगर आप अरेकिडोनिक अम्ल को देखोगे तो इसमें कार्बोक्सिल समूह को लेकर कुल 20 कार्बन होते हैं। अरेकिडोनिक अम्ल में कुल कार्बन की संख्या कितनी है? 20। अब आप सोच रहे होगे कि अभी तो मैंने बताया कि वसा अम्ल में कार्बन संख्या 1 से 19 तक होता है, तो उसमें 20 कैसे हैं? तो भैया यहां पर याद रखो कि इसको भी जोड़ रहे हैं, कार्बोक्सिल को भी जोड़ रहे हैं। आर में तो 19 तक ही हो सकता है, यानी अरेकिडोनिक अम्ल में आर समूह में 19 कार्बन होंगे और एक कार्बोक्सिल समूह का जुड़कर 20 हो जाता है। आया समझ में कि नहीं आया? कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए ये तो अलग है ना, COOH कार्बोक्सिल समूह का जो कार्बन है वो तो अलग है ना, हम R की बात कर रहे हैं। R में 1 से 19 तक हो सकते हैं, तो एरिकडोनिक अम्ल में R में होता है 19, यानी R समूह में 19 कार्बन हो गया, और प्लस एक तो COOH से आएगा ना, कार्बोक्सिलिक एसिड से, एक वहां से आ गया 19 और 1 = 20, 20 कार्बन होते हैं। क्लियर बात है? तो यहां पर याद करिए, इसको याद करिए कि वसा क्या हो सकता है। वसा हो सकता है वसा अम्ल से मिलकर बना हो, वसा हो सकता है ग्लिसरॉल से मिलकर बना हो, या वसा हो सकता है वसा अम्ल प्लस ग्लिसरॉल से मिलकर बना हो। अगर वसा वसा अम्ल से मिलकर बना है तो वसा अम्ल की संरचना क्या होगी? तो वसा अम्ल की संरचना में एक कार्बोक्सिल समूह होता है और एक आर समूह होता है।
आर समूह क्या हो सकते हैं, तो आर समूह एथिल मेथिल हो सकता है, एथिल हो सकता है, या कोई उच्च कार्बन संख्या 1 से लेकर 19 तक का समूह जुड़ सकता है। तो इतनी बातें क्लियर हुई। आपने उदाहरण देखा पॉमिटिक एसिड का, पॉमिटिक एसिड में कुल 16 कार्बन होते हैं, कार्बोक्सिलिक समूह के कार्बन को लेकर 16 कार्बन होते हैं, जिसमें आपने देख लिया स्ट्रक्चर CH3CH2 का होल 14 एंड COOH। एरिकिडोनिक का दूसरा एग्जांपल आपने देखा, जिसमें कार्बोक्सिलिक समूह के कार्बन को लेकर कुल 20 कार्बन होते हैं, इसमें से R उसके समूह में होता है और एक कार्बन कार्बोक्सिलिक समूह में होता है। बस ये बात आपने जान ली। अब बात करें अगर हम, यदि ग्लिसराल से बना है वसा, तो ग्लिसराल जो होता है वो क्या होता है, ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन। ये क्या है, ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन। उम्मीद है कि आप लोग केमिस्ट्री अच्छे से पढ़ रहे होंगे, तो आप इस संरचना का नाम खुद से भी डिसाइड कर सकते हो। 1, 2, 3 हाइड्रोक्सी है तो ट्राई हाइड्रोक्सी हो गया, और 1, 2, 3, 4 यानी एथ मेथ प्रोप, तो प्रोप से प्रोपेन, ठीक है, तो प्रोपेन हाइड्रोक्सी प्रोपेन। हम अगर वसा अम्ल की बात करें ना, वसा अम्ल, तो वसा अम्ल संतृप्त भी हो सकते हैं और असंतृप्त भी हो सकते हैं, यानी उनमें एक सिंगल बॉन्ड भी पाया सकता हो सकता है, एक या एक से अधिक डबल बॉन्ड भी हो सकते हैं। तो वसा अम्ल संतृप्त या असंतृप्त भी हो सकते हैं। ग्लिसराल के बारे में जाना कि दूसरे जो वसा है वो ग्लिसराल से मिलकर बने होते हैं, जो कि ट्राईहाइड्रोक्सी प्रोपेन होते हैं। बात करें कुछ ऐसी वसा की जो वसा अम्ल और ग्लिसराल दोनों से मिलकर बनी होती है, तब वहां पर वसा अम्ल ग्लिसराल से एस्टरीकृत होती है, एस्टरीकृत होती है, और एस्टरीकृत होकर मोनोग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड, ट्राइग्लिसराइड बनाती है। अब यहां पर देखिए ट्राइग्लिसराइड का फॉर्मूला दिया गया है, ट्राइग्लिसराइड जिसमें वसा अम्ल भी है, देखिए COO, कार्बोक्सिलिक समूह आ गया, तो कार्बोक्सिलिक समूह किसका है, वसा अम्ल का। ग्लिसराल OH, तो C, ये देखिए R1, R2, R3, ठीक है, तो वसा अम्ल और ग्लिसराल दोनों से मिलकर बना हुआ है, तो वो उसमें क्या होगा कि वसा अम्ल ग्लिसराल के साथ एस्टरीकृत होता है, और एस्टरीकृत होकर मोनोग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड या ट्राइग्लिसराइड का निर्माण करता है। कुछ वसा, कुछ लिपिड ऐसे भी होते हैं जिनमें फास्फोरस व फास्फोकृत ऑर्गेनिक कार्बनिक यौगिक भी पाए जाते हैं, यानी कुछ लिपिड ऐसे भी होते हैं जिसमें क्या क्या पाया जाता है, फास्फोरस या फास्फोरीकृत कार्बनिक यौगिक भी पाए जाते हैं, तब उसे हम फास्फोलिपिड कहते हैं। फास्फोलिपिड कहाँ पड़े हो शब्द, कोशिका वाले अध्याय में, कोशिका झिल्ली फास्फोलिपिड की बनी होती है, तो फास्फोलिपिड कोशिका झिल्ली में पाई जाती है, उसका एक उदाहरण है लेसिथिन, जो कि दिया गया आपके एनसीईआरटी में। तो लेसिथिन क्या है, एक फास्फोलिपिड है, जिसमें एक ऐसा लिपिड है जिसमें फास्फोरस भी पाया जाता है। देखिए दिया गया है स्ट्रक्चर, फास्फोलिपिड लेसिथिन का स्ट्रक्चर दिया गया है जिसमें फास्फोरस भी पाया जा रहा है। तो कुछ लिपिड ऐसे भी होते हैं जिसमें फास्फोरस या फास्फोरिलीकृत कार्बनिक यौगिक भी पाए जाते हैं, इन्हें फास्फोलिपिड कहते हैं, उसका एक उदाहरण है लेसिथिन। ये क्वेश्चन पूछा गया है नीट में कि फास्फोलिपिड का उदाहरण बताइए, तो क्या उदाहरण था, लेसिथिन। अब बात करें अगर हम वसा या तेल का, तो वसा या तेल की बात करें, तेल की बात करें तो तेल का जो गलनांक होता है वो अपेक्षाकृत कम होता है, इसीलिए अगर आप सर्दियों में देखोगे तो सर्दियों में तेल तेल के ही रूप में होता है, जैसे जिंजली आयल। अगर आप बात करो कि घर में कोई भी ऑयल देख लो, सरसों का तेल देख लो, तो वो सर्दियों में भी तेल के ही रूप में होता है, लेकिन जो वसा होती है जिसमें फैट क्या कहते हैं लिपिड ज़्यादा मात्रा में है, तो वो उनका गलनांक अधिक होता है, इसलिए गर्मियों में आप देखोगे तो घी तेल के रूप में होता है, और जब हल्की सर्दी आती है तुरंत घी जम जाता है। तो ये था वसा के बारे में संपूर्ण बातें। अब इसके बाद अगर हम बात करें, आपने अमीनो अम्ल पढ़ लिया, वसा पढ़ लिया, अब तीसरा आप पढ़ोगे न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड और नाइट्रोजन क्षार के बारे में, नाइट्रोजन क्षार, न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड के बारे में।
कुछ कार्बनिक यौगिक ऐसे भी होते हैं जो विशेष वलय के रूप में होता है, रिंग के रूप में होते हैं। आप यहाँ पर रिंग स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये रिंग स्ट्रक्चर में होते हैं, विशेष वलय अवस्था में होते हैं। जैसे नाइट्रोजन क्षार, नाइट्रोजन क्षार चार प्रकार के होते हैं, नहीं पांच प्रकार के, डीएनए या आरएनए में इनमें से चार ही प्रकार के पाए जाते हैं, एडनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन व यूरेसिल। पांच प्रकार के कुल नाइट्रोजन क्षार होते हैं। यहां पर स्ट्रक्चर एडनिन का दिया गया है। एडनिन एक डाइसाइक्लिक नाइट्रोजन बेस होता है, यानी द्विवलयित होता है, और एक वलयित का एग्जांपल है यूरेसिल। ऐसा नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं, नाइट्रोजन क्षार को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, प्यूरिन और पिरिमिडिन। तो एडनिन ग्वानिन जो होती हैं वो आती हैं प्यूरिन में, जो कि द्विविलयित होती हैं, डाइसाइक्लिक नेचर की होती हैं, डाइसाइक्लिक नेचर के होते हैं। साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल ये होते हैं, इन्हें कहते हैं पिरिमिडिन, ये पिरिमिडिन में आते हैं, पिरिमिडिन। तो पिरिमिडिन जो होती हैं वो क्या होती है, मोनोसाइक्लिक होती हैं, मोनोसाइक्लिक। यानी अगर आप एडेनिन और ग्वानिन की संरचना को देखोगे तो इसमें डबल रिंग होता है। देखो एक रिंग ये हो गया और एक रिंग ये हो गया, दो रिंग हो गया, तो डबल द्विवलयित होती हैं, द्विवलयित होती हैं, डाइसाइक्लिक होती हैं, इसलिए इन्हें हम प्यूरिन की कैटेगरी में रखें, प्यूरिन वर्ग में रखें। प्यूरिन में द्विचक्रीय नाइट्रोजन क्षार एडेनिन और ग्वानिन आते हैं। एडेनिन को ए से डिनोट करते हैं, ग्वानिन को जी से। पिरिमिडिन में आता है साइटोसिन, जिससे सी से, थाइमिन को टी से, यूरेसिल को यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ये सभी मोनोसाइक्लिक होते हैं, यानी एक ही वलय ऐसे पाए जाते हैं। यहाँ पर उदाहरण यूरेसिल का दिया गया है और यहाँ पर लिखा भी गया है, एडेनिन प्यूरिन में आता है, यूरेसिल, थाइमिन, साइटोसिन पिरिमिडिन में आता है। ये सब ट्वेल्थ में फिर रिपीट होगा, इसलिए इसको खूब अच्छे तरीके से याद करना। बात करें अगर हम शर्करा अणु की, तो शर्करा अणु यहाँ पर दो प्रकार की होती है, पंच कार्बनीय शर्करा, पंच कार्बनीय शर्करा। पंच कार्बनीय शर्करा का मतलब क्या होता है, जिसमें पांच कार्बन हो। अगर यहां पर देखो तो एक कार्बन यहां पर, एक दो तीन चार पांच, पांच कार्बन है कुल, एक दो तीन चार पांच छ, कैसे आ जा रहा, नहीं हाँ ठीक है भाई, तो कह रहे हैं गलत है, यहां पर छह आ रहा है, ये तो ग्लूकोज है, सॉरी ये ग्लूकोज है भैया, ये पंचकार्बनीय शर्करा ने, पंचकार्बनीय शर्करा का उदाहरण यहाँ दिया गया है, राइबोज। एक कार्बन, दो तीन चार और एक पांच, पांच कार्बन होते हैं, इसलिए इसे हम पंचकार्बनीय शर्करा कहते हैं। पंचकार्बनीय शर्करा दो प्रकार के हो सकते हैं, एक होता है डी ऑक्सीराइबो शर्करा, ये पाया जाता है डीएनए में, और दूसरा होता है राइबो शर्करा, जो होता है आरएनए में। क्लियर बात है, पंचकार्बनीय शर्करा है डीऑक्सीराइबोज और राइबोज। तो जो डीऑक्सीराइबोज शर्करा होता है वो डीएनए में पाया जाता है, राइबोज शर्करा जो होता है वो आरएनए में पाया जाता है। ये बात क्लियर हो गई। इसी राइबोज शर्करा या डीऑक्सीराइबोज शर्करा पर नाइट्रोजन क्षार जब जुड़ जाते हैं तब बनता है न्यूक्लियोसाइड। तो न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, पेंटोज शर्करा, पेंटोज का मतलब होता है पंचकार्बनीय, पेंटोज शर्करा प्लस नाइट्रोजन क्षार, ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, न्यूक्लियोसाइड। देखो यहां पर साइड और टाइड में बस यही अंतर है एक शब्द का, अंतर याद रखना, न्यूक्लियोसाइड मतलब पेंटोज शर्करा प्लस नाइट्रोजन क्षार। अब चूंकि चार पांच प्रकार के नाइट्रोजन क्षार होते हैं, तो अलग अलग प्रकार के नाइट्रोजन क्षारों के जुड़ने से अलग अलग प्रकार के न्यूक्लियोसाइड बनते हैं। जैसे अगर एडेनिन जुड़ता है तो उसे बोलते हैं एडेनोसिन, अगर थाइमिन जुड़ता है तो उसे बोलते हैं थाइमिडीन, यूरेसिल जुड़ता है तो उसे बोलते हैं यूरिडीन, साइटोसिन जुड़ता है तो बोलते हैं साइटिडीन, और अगर और क्या बचा, ग्वानिन, ग्वानिन जुड़ता है तो बोलते हैं ग्वानोसिन। तो पांच प्रकार के यहां पर न्यूक्लियोसाइड। अब अगर पेंटोज शर्करा और नाइट्रोजन क्षार है, यानी न्यूक्लियोसाइड है, अगर न्यूक्लियोसाइड पर फास्फेट समूह भी जुड़ जाता है तब उसे बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोटाइड को क्या लिख सकते हैं कि पेंटोज शर्करा प्लस नाइट्रोजन
क्षार प्लस फास्फेट समूह, ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं? न्यूक्लियोटाइड। अब नाइट्रोजन क्षार जैसे पांच प्रकार के हैं, तो न्यूक्लियोटाइड भी पांच प्रकार के होंगे। अब उस प्रकार को पढ़ने से पहले यहां पर एक चीज और देखो, पेंटोस शर्करा और नाइट्रोजन क्षार, आपको पता है ना कि पेंटोस शर्करा और नाइट्रोजन क्षार मिलकर क्या बनाते हैं? न्यूक्लियोसाइड। तो न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मूला हम और क्या लिख सकते हैं? न्यूक्लियोसाइड प्लस फास्फेट समूह। क्लियर बात है? ये हो गया। ऐसे भी पूछा जा सकता है कि न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, तो क्या बताओगे? न्यूक्लियोसाइड प्लस फास्फेट समूह। या अगर न्यूक्लियोसाइड नहीं दिए गए तो न्यूक्लियोसाइड का मतलब क्या होता है? पेंटोस का प्लस नाइट्रोजन क्षार प्लस फास्फेट समूह, ऐसे लिख सकते हो। अब चूंकि पांच प्रकार के नाइट्रोजन क्षार होते हैं, तो पांच प्रकार के न्यूक्लियोटाइड भी होंगे। तो न्यूक्लियोटाइडों का नाम क्या होता है? पांच प्रकार के न्यूक्लियोटाइड का नाम, एक होता है एडेनिलिक अम्ल, एडेनिलिक अम्ल। अगर एडेनिन जुड़ा हुआ है तब एडेनिलिक अम्ल, अगर ग्वानिन जुड़ा है तो ग्वानोलिक अम्ल, ग्वानोलिक अम्ल, ग्वानिलिक अम्ल होता है, ग्वानिलिक अम्ल, ग्वानिलिक अम्ल। उसके बाद थाइमिडिलिक अम्ल, थाइमिडिलिक अम्ल। फिर साइटिडिलिक अम्ल, यूरिडिलिक अम्ल। क्लियर है बात? पांच प्रकार के, इनमें से चार ही प्रकार के पाए जाते हैं। जैसे अगर हम बात करें नाइट्रोजन क्षार की, तो याद रख लेना नाइट्रोजन क्षार कौन कौन से होते हैं। तो नाइट्रोजन क्षार अभी आपने पढ़ा है, पांच होते हैं। कौन कौन से? एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल, यूरेसिल। तो इनमें से एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन, ये चार पाए जाते हैं डीएनए में। अगर हम बात करें आरएनए में, तो आरएनए में थाइमिन की जगह पर क्या पाया जाता है? यूरेसिल पाया जाता है। यानी डीएनए में पाया जाता है एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन। आरएनए में क्या पाया जाता है? एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन की जगह पर यूरेसिल। बस ये हो गया संपूर्ण बात है न्यूक्लियोटाइड के बारे में। यानी आपने आज जाना अमीनो अम्ल क्या होता है, लिपिड क्या होती है, और नाइट्रोजन न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड की संरचना। अब इसको हम कायदे से लिखेंगे। पहले एक बार और कुछ नहीं, हाँ ठीक है, अपने स्ट्रक्चर सब पढ़ लिया, ठीक है। ये एडेनोसिन है, यानी न्यूक्लियोसाइड है जिस पर एडेनिन जुड़ा हुआ है। ये यूरिडिन है, ये भी यूरे से जुड़ा है, इसलिए न्यूक्लियोसाइड का एग्जांपल है। ये न्यूक्लियोटाइड का एग्जांपल है, इसमें नाइट्रोजन क्षार है, यह है पेंटोस शर्करा और यह है फास्फेट समूह। अब इसको आप डिटेल लिख डालिए, हेडिंग डालेंगे अमीनो अम्ल, अमीनो एसिड लिखेंगे, अमीनो अम्ल कार्बनिक यौगिक है जिसके एक ही कार्बन, जिसे अल्फा कार्बन कहते हैं, पर अमीनो समूह व अम्लीय समूह जुड़ा होता है, अतः इसे अल्फा अमीनो अम्ल भी कह सकते हैं, अल्फा अमीनो अम्ल भी कह सकते हैं। लिखेंगे यह प्रतिस्थापित मीथेन, अमीनो अम्ल क्या है? प्रतिस्थापित मीथेन, याद करते चलिए, लिखते चलिए, सब्स्टिट्यूटेड मीथेन है, ठीक है, प्रतिस्थापित मीथेन है। फिर लिखेंगे कि अमीनो अम्ल में चार प्रतिस्थाई समूह, चार प्रतिस्थाई समूह पर
चार संयोजकता, सॉरी चार प्रतिस्थायी समूह, चार संयोजकता स्थल पर जुड़े होते हैं। तो अमीनो अम्ल में चार प्रतिस्थायी समूह, चार संयोजकता स्थल पर जुड़े होते हैं। यह समूह क्या हो सकते हैं? यह समूह हाइड्रोजन कॉमा अमीनो कार्बोक्सिल समूह व एक भिन्न परिवर्तनशील समूह, भिन्न परिवर्तनशील समूह जिसे आर समूह के रूप में व्यक्त करते हैं। पाया जाता है ठीक है, फिर लिखेंगे परिवर्तन समूह, परिवर्तनशील समूह, परिवर्तनशील समूह यानी आर के आधार पर अमीनो अम्ल अनेक प्रकार के होते हैं, अनेक प्रकार के होते हैं। फिर भी प्रोटीन में उपलब्धता के आधार पर यह 20 प्रकार का होता है, अमीनो अम्ल 20 प्रकार का होता है। लिखेंगे कि यदि परिवर्तनशील समूह आर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन समूह है, तब इसे क्या कहेंगे? ग्लाइसिन, ग्लाइसिन अमीनो अम्ल कहते हैं, ग्लाइसिन अमीनो अम्ल कहते हैं। CNH2COOH हाइड्रोजन, यहां पर भी हाइड्रोजन, यहां पर भी ठीक। ये क्या है? ग्लाइसिन। लिखेंगे यदि आर समूह क्या है, आर समूह मेथिल समूह हो, मेथिल समूह हो, तो उसे क्या कहेंगे? एलेनिन कहेंगे, एलेनिन कहते हैं। यानी CNH2COOH HCH3 ठीक, ये क्या कहलाएगा? एलेनिन। फिर नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे कि यदि आर समूह CH2OH है, CH2OH यानी हाइड्रोक्सी मिथिल है, हाइड्रोक्सी मिथिल है, तो उसे सीरीन अमीनो अम्ल कहते हैं, सीरीन अमीनो अम्ल कहते हैं। CNH2COOH यहाँ पर CH2OH ठीक है, ये क्या कहलाएगा? सीरीन। क्लियर बात है? अब बात करें अमीनो अम्ल की भौतिक और रासायनिक गुण किस पर निर्भर करता है, तो क्या लिखेंगे कि अमीनो अम्लों की भौतिक व रासायनिक गुण अमीनो समूह कॉमा कार्बोक्सिल समूह व आर समूह पर निर्भर करता है।
बात करें अगर हम अमीनो समूह और कार्बोक्सिल समूह की संख्या के आधार पर, अमीनो व कार्बोक्सिल समूह की संख्या के आधार पर अमीनो अम्ल निम्न प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? अम्लीय, क्षारीय, उदासीन। लिखेंगे अम्लीय के उदाहरण ग्लूटामिक अम्ल, क्षारीय के उदाहरण लाइसीन, उदासीन का उदाहरण वैलिन। लिखेंगे इसके अलावा एरोमेटिक अमीनो अम्लों के उदाहरण। कौन कौन से? टायरोसिन, फेनिलएलनिन और ट्रिप्टोफैन। बस इसके बाद लास्ट पॉइंट लिखेंगे अमीनो अम्ल के बारे में कि अमीनो अम्ल का विशेष गुण है कि अमीनो समूह यानी NH2 व कार्बोक्सिल समूह COOH आयनीकरण प्रकृति के होते हैं। आयनीकरण प्रकृति के होते हैं, अतः विभिन्न pH में अमीनो अम्लों की संरचना परिवर्तित होती रहती है, परिवर्तित होती रहती है। क्लियर है बातें? ये हो गया अमीनो अम्ल के बारे में संपूर्ण बातें। अब आप टहलेंगे हेडिंग वसा यानी लिपिड। लिखेंगे सबसे पहला पॉइंट कि वसा जल में आघुलनशील होती है। वसा जल में आघुलनशील होते हैं। लिखेंगे वसा यानी लिपिड। अब हम लिपिड शब्द यूज करेंगे। लिपिड साधारणतया वसा अम्ल होते हैं। और वसा अम्ल क्या होता है? तो लिखेंगे वसा अम्ल यानी फैटी एसिड में एक कार्बोक्सिल समूह COOH व एक R समूह होता है। एक R समूह होता है। R समूह क्या हो सकते हैं? R समूह मेथिल हो सकता है, एथिल हो सकता है या फिर अन्य उच्च संख्या वाले CH2 समूह हो सकते हैं जिसमें कार्बन 1 से लेकर 19 तक हो सकता है। लिखेंगे यहां पर R समूह मेथिल यानी CH3, एथिल यानी C2H5 या अन्य उच्च संख्या वाले CH2 समूह जिसमें कार्बन
एक से 19 तक हो सकता है। उदाहरण लिखेंगे पॉमिटिक एसिड का। पॉमिटिक अम्ल में कार्बोक्सिल समूह के कार्बन सहित कुल 16 कार्बन होता है। 16 कार्बन होता है। स्ट्रक्चर CH3 CH2 का होल 14 COOH, यानी एक कार्बन दो तीन, सॉरी एक कार्बन दो कार्बन और 14, ये 14 दो 16 कार्बन। दूसरा उदाहरण लिखेंगे एरेकिडोनिक अम्ल में कार्बोक्सिल कार्बन सहित 20 कार्बन होता है। लिखेंगे नोट करके कि वसा अम्ल संतृप्त यानी विदाउट डबल बॉन्ड, यानी हो सकता है उसमें डबल बॉन्ड ना हो, विदाउट डबल बॉन्ड या असंतृप्त यानी विद वन आर मोर देन वन डबल बॉन्ड, एक या एक से अधिक डबल बॉन्ड हो सकते हैं, असंतृप्त हो सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट से लिखेंगे कि दूसरा साधारण लिपिड ग्लिसरॉल है। ग्लिसरॉल जो ट्राईहाइड्रोक्सी प्रोपेन कहलाता है। लिखेंगे बहुत से अमीनो अम्ल वसा अम्ल वा बहुत से अमीनो अम्ल में वसा अम्ल वा ग्लिसरॉल दोनों मिलते हैं, जिसमें वसा अम्ल ग्लिसरॉल के साथ एस्टरीकृत होकर मोनोग्लिसराइड कॉमा डाइग्लिसराइड व ट्राइग्लिसराइड हो सकते हैं। लिखेंगे गलन बिंदु के आधार पर वसा या तेल होते हैं। लिखेंगे तेलों का गलनांक अपेक्षाकृत कम होता है। तथा सर्दियों में ये तेल के रूप में ही होते हैं। जैसे जिंजली आयल
ये एक एग्जांपल आपके एनसीईआरटी में मेंशन है। अब आपने पढ़ा है कि कुछ लिपिड ऐसे भी होते हैं जिनमें फास्फोरस या फास्फोरिलीकृत कार्बनिक यौगिक भी पाए जाते हैं, तब उन्हें हम फास्फोलिपिड कहते हैं, जैसे कोशिका झिल्ली में पाए जाने वाला फास्फोलिपिड लेसिथिन। तो लिखेंगे कि बहुत से लिपिड में, नहीं बहुत से नहीं, कुछ लिपिड में, कुछ लिपिड में फास्फोरस व एक फास्फोरिलीकृत कार्बनिक यौगिक, फास्फोरस व एक फास्फोरिलीकृत कार्बनिक यौगिक भी मिलते हैं। ये फास्फोलिपिड कहलाते हैं, फास्फोलिपिड कहलाते हैं, जैसे कोशिका झिल्ली में पाए जाने वाला लेसिथिन। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट अंडरलाइन कर लीजिए, लेसिथिन फास्फोलिपिड का उदाहरण है। कुछ ऐसे भी ऊतक हैं जैसे तंत्रिका ऊतक, उसमें विशेष जटिल संरचना वाले लिपिड पाए जाते हैं, तो ये भी लिखेंगे कि तंत्रिका ऊतक में विशेष जटिल संरचना वाले लिपिड पाए जाते हैं। अगर हम बात करें जीवों में अन्य कार्बनिक यौगिकों की, तो जीवों में कुछ अन्य कार्बनिक यौगिक ऐसे भी मिलते हैं जो विषम चक्रीय युक्त होते हैं। तो लिखेंगे जीवों में अनेक कार्बनिक यौगिक विषम चक्रीय युक्त हेट्रो साइक्लिक नेचर होते हैं, विषम चक्रीय युक्त होते हैं, जैसे नाइट्रोजन क्षार, कौन कौन से, एडिनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल। इसमें से यहां पर लिख लीजिए एडिनिन और ग्वानिन किस में आते हैं, प्यूरिन में, साइटोसिन थाइमिन और यूरेसिल किस में आता है, पिरिमिडिन में। लिखेंगे नाइट्रोजन क्षार पेंटोज शर्करा से जुड़कर न्यूक्लियोसाइड बनाता है, चार प्रकार, पांच प्रकार के न्यूक्लियोसाइड बनेंगे क्योंकि पांच प्रकार के नाइट्रोजन क्षार होते हैं। यहां लिखेंगे पांच प्रकार के न्यूक्लियोसाइडों का नाम, एडिनोसिन, ग्वानोसिन, थाइमिडिन, साइटिडिन, यूरिडिन। फिर लिखेंगे कि न्यूक्लियोसाइड व फास्फेट समूह मिलकर क्या बनाते हैं, न्यूक्लियोटाइड। तो ये भी पांच प्रकार का होगा, कौन कौन सा, एडेनिलिक अम्ल, थाइमिडिलिक अम्ल, साइटिडिलिक अम्ल
यूरिडिलिक अम्ल, ग्वानिलिक अम्ल, ग्वानिलिक अम्ल, बस ये था आज का टॉपिक जिसमें आपने जाना अमीनो अम्ल के बारे में, लिपिड के बारे में और नाइट्रोजन क्षार, न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोटाइड के बारे में। अब यहाँ पर जो भी चीज़ें कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट अगर आगे बताया तो उसको भी नोट कर लीजिएगा। तो आज का टॉपिक बस इतना ही, नेक्स्ट पार्ट में आपको इसके आगे के टॉपिक के बारे में बताया जाएगा। धन्यवाद।